ये बात आप जहन में रख लें कि इमरान खान से भारत बहुत परेशान था। आर्टिकल 370 जब भारत ने ख़त्म किया तो भारत ने पाकिस्तान से बातचीत की भी बहुत कोशिश की कि देखें अब इस मसले को हल करते हैं, लेकिन इमरान खान ने एक ना सुनी। भारत चाहता था कि इमरान खान आर्टिकल 370 पर बात ना करें, इनको भूल जाएं, लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार किया और कहा कि जब तक भारत कश्मीर से आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करता हम भारत से कोई बात नहीं करेंगे। और इमरान खान ने ऊपर से कश्मीर के मसले को बहुत उठाया। अब क्योंकि पीडीएम की हुकूमत को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही तो क्या बिलावल ने भारत को निशाना बनाकर रखा है ताकि इनको पाकिस्तान की आवाम में पॉपुलैरिटी मिले। बिलावल ने जब मोदी के खिलाफ बयान दिया अमेरिका में, इससे पहले बिलावल और भारतीय वजीर खारजा की मुलाकात हो चुकी थी जहाज में। सहाफ़ी शहीन सहबाई ने इस खबर को ब्रेक किया कि बिलावल और भारतीय वजीर खारजा उनके साथ अमला एक ही जहाज में इतनी लंबी फ्लाइट में एक साथ बैठा। अब इतना लंबा सफ़र उन्होंने एक साथ किया तो ज़रूर कोई बात भी की होगी। अब इससे पहले भी बिलावल ऐसे मौका पर अमेरिका गए हैं, वहाँ क्यों उन्होंने भारत खिलाफ बयान नहीं दिए? जैसे ही वो भारतीय वजीर खारजा से मिले उन्होंने बयान दे दिया मोदी के खिलाफ कि उसामा बिन लादिन तो मर गया है जिसके बारे में आप हम पर तनकीद करते हैं, लेकिन गुजरात का कसाई तो जिंदा है जिसने वहाँ के मुसलमानों को शहीद किया, वो तो जिंदा है और भारत का प्राइम मिनिस्टर है। अब इस बयान के बाद बिलावल के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हुए हैं भारत में, और इसके बाद बिलावल बड़ा लीडर बनने की कोशिश में एक बयान देते हैं कि भारत में मेरे सर की कीमत 2 करोड़ लगाई गई है। अब इस पर इमरान रियाज कहते हैं कि इतने में तो पाकिस्तान में एक MP नहीं मिलता, वो भी इससे ज्यादा में बिकता है, तुम्हारा सर सिर्फ 2 करोड़ में। इसके बाद इमरान रियाज बोलते हैं कि बिलावल को हीरो बनाने के लिए सरहद के दोनों जानिब से गुल जोर लगाया जा रहा है, जाली टार्जन बनाने की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। जिस एस्टेब्लिशमेंट को अपनी वालदा का कातिल कहा आज इसी की गोद में मकबूलियत की गर्मी के लिए सरगर्म है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या जानकर बिलावल को भारत के खिलाफ बोलने को कहा जा रहा है ताकि पाकिस्तान की आवाम को बिलावल की तरफ किया जाए? क्योंकि पीडीएम के पास सिर्फ अब भारत कार्ड ही रह गया है इलेक्शन में जीत के लिए। इसके अलावा जो हाल इन्होंने मौशियत का कर दिया है, इसके बाद तो ये मुमकिन नहीं कि मौशियत पर ये अगला इलेक्शन लड़ सकें।